पिछले वीडियो में हम लोग जो है पढ़े थे कि हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन सबों के बारे में पढ़ा था। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? द मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाई थ्रू द सर्किट। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड क्यू, ऐसा करके बताए थे। और जाहिर है कि वो उसका जो है जो एटम के लेवल पे जो था तुमको किस प्रकार होता है इलेक्ट्रॉन के लेवल पर, उसको भी लिख करके दिखाया था किस तरह से फॉर्मूला डिराइव हुआ था। आज हम लोग कुछ गैल्वेनिक सेल के कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल जैसे है तो गैल्वेनिक सेल में जैसे कि कुछ गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने पढ़ा था कैथोड होता है, एनोड होता है, दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उसको सॉल्ट ब्रिज से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो कुछ कॉमनली जो कि यूज जो बैटरी है, बैटरी दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल। बैटरी मतलब क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो जाहिर है कुछ बैटरी है जिसका स्पेशल जैसे हम लोग जानना सामान्यतः प्रयोग करते हैं, जिसका हो गया तुमको ड्राई सेल जैसे है, जिसमें कि ये एक है एक बैंड, इसको सेल को बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो पहले हो गया प्राइमरी सेल जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ जो है तुमको उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, करंट विदड्रॉ चार्ज नहीं कर सकते हैं। इट कैन एलाउ करेंट टू पास इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करेंट पास करने के लिए अलाउ करता है। ये तुमको अपोजिट डायरेक्शन से करंट नहीं फ्लो करा सकते, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, इसका मतलब इट कांट बी चार्ज। इसको कह सकते हैं इट कांट बी चार्ज। इसको चार्ज हम लोग क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यही मतलब हुआ। तो इस तरह का जो सेल हो गया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में जो कि हम लोग गैल्वेनिक सेल जो तुम्हारा था, प्राइमरी सेल जो कि गैल्वेनिक सेल का ही है ये टाइप, जो गैल्वेनिक सेल में जैसे कि हम लोगों ने नाम लिया था कुछ सेल है जैसे कि जो कॉमनली हमको यूज होते हैं, उसमें से है तुमको ड्राई सेल। तो प्राइमरी सेल के कुछ जो दो सेल के बारे में हम लोग देखेंगे, एक है ड्राई सेल और एक ड्राई सेल का दूसरा नाम क्या होगा, इसके इसके जो कि डिस्कवरर है लेक लांसे के सेल बीच के कहते हैं उसके नाम पर, इसको लेक लांसे सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है तुम रिप्रेजेंटेशन इसका करना चाहोगे जो कि आईपीएसी रिप्रेजेंटेशन जो गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था, तो जेड एन का इलेक्ट्रोड होगा एक और जेड एन टू प्लस का क्या होगा, यहां पर जेड एन टू प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन जेड एन टू प्लस और तुम्हारा क्या होगा यहां पर, ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड उब्लिक NH4Cl का, ये पेस्ट रूप में देता है, ये किस रूप में रहता है, ये पेस्ट रहेगा, ये पेस्ट Zn2+ का तो बहुत कम जरूरत पड़ता है, Zn2+ तो बहुत कम होता है, जस्ट पेस्ट टाइप का रहेगा ये भी। और इधर जो तुमको होता है ग्रेफाइट C ब्रैकेट में ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, रॉड होगा। और ये जो तुमको स्पेशल डिजाइन क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोन एनोड जो होता है तुम्हारा, इधर तो एनोड लिखते हैं हम लोग लेफ्ट साइड LOAN याद होगा, लेफ्ट में क्या होता है एनोड होता है। तो ये तुमको ड्राई सेल का क्या लिखा हुआ, ये तुमको इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए Zn2+ और MnO2+ NH4 अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो सेल रिएक्शन है तुम्हारा, तो इसमें रॉड के रूप में जिसका बराबर तो देखे जो हम लोग रिमोट वगैरह में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, तो वो जो सेल हो गया तुम्हारा जो कि यूज करते हो, तो उसमें क्या करता है स्पेशल डिजाइन क्या करता है, जिंक का जो पॉट ही बना देता है, जिंक का पॉट बनाता है और कार्बन का एक रॉड होता है जो कि ऊपर एक दिया हुआ था जिसमें कि एक कंडक्टिंग जो है तुमको ब्रास का क्या बनाता है, एक कैप टाइप का बना होता है। तो एक टर्मिनल कहां पर, वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है और ये तुमको किसका काम करता है, निगेटिव टर्मिनल का, जेड एन का बर्तन नीचे की ओर रहता है जिसे सप्लाई करते हैं हम लोग। तो इस सेल के बारे में पढ़ते भी आया होगा, इसका कुछ सेल रिएक्शन जो है तुमको, जाहिर है कि एनोड का सेल रिएक्शन तो क्या है तुम्हारा, एनोड में क्या हो गया तुमको, एनोड में बन जाएगा Zn से बन जाएगा Zn2+ और प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा बन जाएगा ये एनोड पे हो गया। कैथोड पे देखते हैं, कैथोड का जो सेल रिएक्शन होगा, कैथोड पे जो होगा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तुम्हारे MnO2
प्लस NH4 प्लस अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम ये आ जाएगा और इससे बन जाएगा तुमको इसका जो है MN का जो है तुमको रिडक्शन हो जाएगा। MN का यहाँ पे क्या होगा MnO2 फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पर क्या हो जाता है MN का यहाँ तो MN का डबल बॉन्ड O बन जाएगा इधर और इधर की तरफ एक OH बन गया। ये तुम्हारा MN का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गया प्लस थ्री में आ जाता है ये यहाँ फोर से घट के कितना गया प्लस थ्री में आ जाता है और प्लस क्या होगा तुमको NH3 हो गया अमोनिया गैस निकल गया NH3 और जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ तक इधर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तुम्हारा सब बैलेंस हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लग जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया ये तुम्हारा हो गया सेल रिएक्शन। इन दोनों को पूरे रिएक्शन को ऐड करना चाहो तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको दो से क्या कर सकते हो इसको दो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो सकता है तुम्हारा लिख दो इसको ZN प्लस टू एम एन ओ टू प्लस टू एन एच फोर प्लस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने पर देखो दोनों को इधर क्या बन जाएगा ZN टू प्लस में ये कन्वर्ट हो गया है प्लस हो गया एम एन ओ ओ एच और प्लस एन एच थ्री एम एन ओ एच अब इसमें भी दो देना होगा टू एन एच थ्री यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो जाएगा टू एम एन मतलब इसमें लग जाएगा क्या जो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा जेड एन टू प्लस यहाँ पे हो गया प्लस टू तो ये हो गया तुम्हारा एम एन ओ ओ एच तो दो हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं ये तुम्हारा कौन सा सेल हो गया ये ड्राई सेल हो गया। इसका स्पेशल डिजाइन तो देखते ही आए हो जेड एन का पॉट है और कार्बन का इलेक्ट्रोड है जिसको हम लोग उसमें ऐड करते हैं और इस तरह से इसका क्या हो गया तुम्हारा ये प्राइमरी सेल में एक बन गया तुम्हारा। दूसरा सेल है जिसको हम लोग देखते हैं जिसका कि हम लोग यूज करते हैं ये तो कहाँ कहाँ यूज करता है देखा ही तुमने बताया ही गया कि जो रेडियो होता था उसमें पहले लोग यूज करते थे आज टॉर्च में भी यूज करते हैं या तुमको क्या चीज़ में रिमोट में आजकल यूज आता है तो ये सब ड्राई सेल के बहुत जगह पे यूज आते हैं। तो अब जो है तुमको एक और सेल है जो कि हम लोग सॉलिड सेल के रूप में जिसका रहता है ये पेस्ट के रूप में रहता है इसलिए छोटा में डिजाइन में आ जाता है और लैक्लांसे में जो बनाया था स्टार्टिंग में क्या था वो लिक्विड स्टेट में बड़ा स्टेट में हो जाएगा ये सब पेस्ट होता है इन सबों का। तो ये तुम्हारा हो गया और जिसमें जाहिर खर्च किस किस चीज़ का हो रहा है ZN का तुम्हारा यूज हो रहा है और तुमको ये जो MnH4Cl और MnO2 का यूज है ZN2+ का कोई और फॉर्मेशन ही होता है तो ZN2+ स्टार्टिंग में आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है लगभग मात्र एक सिंबॉलिकली थोड़ा सा दे दिया जाता है और जो है कि इसको स्पेशली दोनों को सेपरेट करता है एक पोर्सिलिन का जो होता है एक कपड़ा है जिसके में से दोनों को सेपरेट करते हैं जो सॉल्ट ब्रिज के रूप में काम करता है। इस तरह से तुमको इसका ये डिजाइन हो गया तुम्हारा। दूसरा सेल आया है तुमको दैट इज कॉल्ड मर्करी सेल। तो मर्करी सेल उसमें देखो मरकरी शेल में तुम्हारा क्या होगा ZN मरकरी शेल ZN का एक इलेक्ट्रोड होगा तो ये दो प्राइमरी सेल हैं जो कि ZN ये जो मरकरी शेल है ये कौन सी में यूज आता है मर्करी सेल हम लोग जैसे यूज करते हैं जैसे वॉच है जो हम लोग का वॉच देखते होगे तुम ये जो छोटा वाला जो रिस्ट वॉच है उसमें हो गया जो लिसनिंग का जो तुम्हारा डिवाइस लगा होता है जो घड़ी में देखते होगे जो चाहे जो जहाँ पर कंटिन्यूस करंट हमेशा चाहिए वहाँ पर हम लोग इसका क्या करते हैं कम अमाउंट में उसमें यूज करते हैं हम लोग रिस्ट वॉच वगैरह में इन सबों में यूज करते हैं हम लोग जहाँ पर कंटिन्यूस करंट हमको हमेशा जरूरत पड़ता है तो उन सबों में इसका यूज किया जाता है और छोटे जगह में आ जाता है बिल्कुल छोटा सा सेल बन जाता है इसीलिए इसको यूज करना भी लगाना भी क्या आसान होता है इसमें कोई भी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है सॉल्ट का ही खर्च होता है। तो जैसे देखो इसका जो है सेल है तुम्हारा इसको जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग ZN रहेगा और ZN में एमलगम ZN HG एमलगम ZN HG ZN एमलगम और ये होता है ZN O और OH माइनस रहता है इसमें भी ZN O इसमें तुमको OH माइनस रहेगा ZN O और इधर जो तुम्हारा हो गया HGO
एच डी ओ ओ एच माइनस में ही रहेगा ये भी बेसिक सॉल्यूशन में, और यहाँ पर आता है कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा सी, मतलब ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा इसका है। तो ये भी तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, इसे भी समझ में आ गया होगा क्या बनेगा इसका। जहाँ तक जेड एन तुम्हारा जो है जेड एन एच जी जेड एन अमलगम जो है तुम्हारा जेड एन अमलगम जिसको कहते हैं अमलगम जेनेट एमलगम, तो इसका जहां तक की रहा तुम्हारा एनोड पर देख लो रिएक्शन क्या होगा। ये बेसिक मीडियम रिएक्शन टेक्स प्लेस कराता है, जेड एन से बन जाता है तुमको जेड एन ओ बनता है। बेसिक मीडियम में अगर ओ को बैलेंस करना है तो उसकी मदद किसकी मदद लेनी पड़ती है, एच टू ओ एंड ओ एच माइनस। तो यहां पर देखो ओ इधर ज्यादा है तो इधर एक एच टू ओ एड कर दो, एक ओ ज्यादा इधर एक एच टू ओ एड कर दो, इसका डबल ओ एच माइनस इधर एड कर दो, बैलेंस करने का यही तरीका है। जिससे कि हाइड्रोजन तुम्हारा ओ तो एक बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा, हाइड्रोजन डबल कभी भी होना चाहिए। तो इसमें क्या कहे कि जिधर ओ ज्यादा है उतना ही जितना ओ एक ज्यादा है तो एक एच टू ओ एड कर दिया उसका डबल ओ एच माइनस, जिससे हाइड्रोजन जो है ना एच टू ओ में डबल हाइड्रोजन होता है, इसमें एच टू है तो यहाँ पर दो गुना का जरूरत पड़ता है, एक ओ बैलेंस कर लेता है ये। और जाहिर के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या देना पड़ेगा यहाँ पर टू ई माइनस। तो ये हो गया एनोड का रिएक्शन। अब कैथोड का रिएक्शन देखो क्या होगा तुम्हारा, कैथोड में तुम्हारा होगा एच जी ओ है, एच जी ओ है, इससे क्या बन जाएगा फिर एच जी हो जाएगा, एच जी बन जाएगा। और यहाँ पे फिर ओ का बैलेंस करने के लिए क्या बताया था, जिधर ओ ज़्यादा है उधर एच टू ओ दे दीजिए, जिस साइड ओ ज़्यादा है उधर क्या देना है एच टू ओ हमको लिख देना है, तो इधर की तरफ एच जी है एच जी ओ है तो इधर ज़्यादा है तो इधर एक एच टू ओ दे देते हैं, और इधर क्या होगा तुम्हारा इसका डबल क्या दे देंगे ओ एच माइनस, तो टू ओ एच माइनस और क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन भी इधर लग जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं देखो क्या होगा तुम्हारा, इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल ही हो जाएगा तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जेड एन प्लस एच जी ओ से क्या बन गया तुम्हारा जेड एन ओ, अब प्लस क्या बन गया एच जी, और कोई भी सॉल्यूशन का मैं ओ एच माइनस जो भी खर्च हो रहा है देखो तुम्हारा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए ये किसके लिए सुटेबल होता है, जहां पर कंटिन्यूसली हमको लो करंट की जरूरत पड़ती है, जहां पर के हमेशा जरूरत पड़ती है उस तरह के डिवाइस में इसको यूज किया जाता है, मरकरी सेल। तो जिंक मरकरी सेल ऐसा भी कह सकते हो, जिंक मरकरी सेल जेड एन एच जी सेल। तो ये तुम्हारा सेल हो गया, तो ये मरकरी सेल है। तो इसका जो है तुमको और दूसरा तुम्हारा ये प्राइमरी सेल में तुम्हारा दो दिया हुआ साथी बुक में, इसी दोनों का चर्चा हमने किया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी सेल कौन सा है, सेकेंडरी सेल का मतलब हो गया कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, चार्ज भी कर सकते हैं और फिर उसको डिस्चार्ज तो करते ही बैटरी से करंट तो लेंगे ही, प्लस अपोजिट डायरेक्शन में दे करके वो फुल्ली जो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और उसको हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं, फिर से वह अपना कॉन्सेंट्रेशन क्या कर लेगा फिर से गेन कर लेता है और उसे फिर से आप यूज रीयूज कर सकते हैं। हाँ अब क्या है तुम्हारा कौन सा सेल है, सेकेंडरी सेल, द सेल इन व्हिच करेंट कैन करेंट कैन बी सप्लाइड इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, बोथ इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, सो द सेल कैन बी चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड मेनी टाइम्स। इसको चार्ज भी कर सकते हैं फिर डिस्चार्ज भी फिर यूज कीजिए।
इसमें जो सबसे फेमस है तुमको इसको कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी इसमें सेकेंडरी सेल में ये है, और एक है निकेल कैडमियम सेल, ये दो तुम्हारा जो बुक में दिया हुआ है। तो लेड स्टोरेज जो कि हम लोग घर में जो तुम्हारा टीवी वगैरह चलाने के लिए या ट्रैक्टर में या तुम्हारा क्या कहते हैं कार में इन सबों में जो यूज करते हैं हम लोग जहाँ पर कि वो कौन सा बैटरी होता है लेड स्टोरेज बैटरी। और आजकल तो इलेक्ट्रिक बाइक आ गया तो वो उसी से पावर भी लेता है हर चीज़, पहले तो सिर्फ लाइट जलाने के लिए आता था, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब जगह तो इसी सेल का यूज करते हैं हम लोग। तो ये सेल है तुम्हारा लेड स्टोरेज बैटरी का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो तुम्हारा है अगर देखें जहाँ तक कि पीवी का क्या होता है, तुम्हारा पीवी का एनोड होगा और पीवी का एनोड होगा तुम्हारा, तो एनोड का इसका रिएक्शन ले लेते हैं समझ में आ जाएगा, एनोड पर देखो रिएक्शन। और H2SO4 का क्या रहता है, H2SO4 को दिया हुआ रहता है तुम्हारा एनोड पे, पीवी जो है तुमको ऑक्सीडेशन होगा, पीवी से क्या बन जाता है PbSO4 बनाते हैं हम लोग, पीवी से PbSO4 में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर क्या रहेगा पीवी प्लस SO4 टू माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा SO4 टू माइनस यहाँ चला गया, और प्लस क्या होगा तुम्हारा इसको बैलेंस करेंगे दो इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे तो ये बैलेंस हो गया तुम्हारा, ये H2SO4 से आया, ये तुम्हारा H2SO4 का सॉल्यूशन में डिप्ट रहता है ये इलेक्ट्रोलाइट, तो पीवी H2SO4 के सॉल्यूशन में रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया एनोड पे ऑक्सीडाइज हो गया, और कैथोड पे तुम्हारा हो गया ये लेड का ही रहता है PbO2 लेड पेरोक्साइड कहते हैं इसको, इससे क्या बन जाएगा यहां पर ये भी PbSO4 ही बन जाता है। तो जाहिर है कि PbSO4 होगा तो ये भी तुम्हारा सल्फेट आयन इधर भी रहेगा, सल्फेट आयन की यहां भी जरूरत पड़ेगी, PbO2 प्लस क्या होगा तुम्हारा ये सल्फेट आयन SO4 टू माइनस। तो चलिए तो O कितना बैलेंस करना है, O देखो यहाँ एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, यहाँ H2SO4 का सॉल्यूशन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन ज्यादा है, दो ऑक्सीजन ज्यादा है तो दो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2O इधर ऐड कर दो, H2O ऐड कर दो और इधर की तरफ क्या हो जाएगा 4H+ ऐड हो जाएगा, H2O और क्या हो गया 4H+ ऐड हो गया, और क्या होगा तुम्हारा तो दो इलेक्ट्रॉन का भी जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कितना जरूरत पड़ेगा 4H+ है और टू और SO4 टू माइनस, तो 4H+ हो गया PbO2 से बन गया PbSO4 प्लस यहां पे कितना हो गया H2O लग गया तुमको, दो था तो 2H2O तो 4H+ तो 4H+ और एक SO4 टू माइनस, तो इसको बैलेंस देख लो क्या इसी में PbO2 से क्या बन गया PbSO4 बना, तो सल्फेट का तो O दे ही दिया तुमने, सल्फेट का SO4 टू माइनस, सल्फेट बैलेंस ही हो गया। अब बच गया बैलेंस करना कौन, यहाँ पर O बच गया, तो O बच गया तो O दो था तो दो क्या कर दिया 2H2O इधर दिए तो यहाँ पे क्या लग गया तुम्हारा 4H+ लग जाएगा, तो 4H+ और 4H+ हो गया तुम्हारा और क्या होगा तुम्हारा 4H+ SO4 टू माइनस प्लस क्या होगा तुम्हारा 4H+ तो चार में से दो चला गया कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको फिर से लिख लेते हैं थोड़ा सा जगह घट गया तो इसको फिर से लिख लेते हैं, चलो तो बैलेंस करके ही सवाल लिख देते हैं जगह में दिक्कत नहीं होगा। हाँ तो PbO2 प्लस SO4 टू माइनस प्लस 4H+ प्लस टू इलेक्ट्रॉन इससे बन जाएगा PbSO4 प्लस 2H2O, और इसको अगर ओवरऑल रिएक्शन चाहिए तो इन दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं तो क्या होगा तुम्हारा Pb प्लस PbO2 प्लस सल्फेट, जहाँ तक है सल्फेट तुम्हारा एक तो उधर भी था जो कि PbSO4 जो बना हुआ है, और सल्फेट तुम्हारा इधर भी है तो कितना सल्फेट लग गया तुम्हारा सल्फेट प्लस सल्फेट दो सल्फेट हो गया और तुम्हारा हो गया दो सल्फेट और यहाँ पे टू मतलब कि 4H+ तो 2H2SO4 हो गया तो 2H2SO4 हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गया
इधर क्या बच गया तुमको, टू पी वी एस ओ फोर हो गया, दोनों का पी वी एस ओ फोर ही है, और प्लस क्या होगा, टू एच टू ओ, ये तुम्हारा हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन होगा। तो पी वी प्लस पी वी ओ टू प्लस एच टू एच टू से फोर से बन गई है। तो इसमें एच टू से फोर का भी खर्च होते जाएगा, और इसलिए बार बार जो बैटरी में क्या करना है आपको, एच टू से फोर मतलब एच टू से फोर का यूज होता है जबकि आपके डिस्चार्ज करना, ये किसका रिएक्शन लिखा हुआ है, डिस्चार्जिंग के समय ये लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन लिखे हुए हैं ये डिस्चार्जिंग, ये जब हम लोग डिस्चार्जिंग का मतलब जब उससे करंट बैटरी से क्या किया लिया जा रहा है, विदड्रॉ किया जा रहा है, तो उस समय का है ये। और जब हम लोग इसको चार्जिंग करेंगे ये सेल रिएक्शन जस्ट रिवर्स कर जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो पी वी एस ओ फोर बना हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या होने लगता है, एकदम सेल रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, पी वी एस ओ फोर टूट करके मतलब कि पी वी बनने लगेगा, पी वी एस ओ फोर टूट करके यहाँ क्या बन जाएगा, पी वी ओ टू बनने लगेगा, इस तरह से कंप्लीटली रिएक्शन एकदम रिवर्सेबल होगा। थियोरेटिकली ये रिएक्शन 100% क्या है तुम्हारा इफिशियंसी के साथ ये रिवर्स हो जाता है। तो द सेल रिएक्शन इज रिवर्स, द सेल रिएक्शन is reversed when external current charges the बैटरी। तो मतलब जस्ट उल्टा लिख दोगे इसका रिएक्शन, चार्जेज द बैटरी, तो इसको जब चार्ज करते हैं तो जस्ट चार्जिंग के टाइम में चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन जो है, और चार्जिंग का ठीक इसको लेफ्ट इसको राइट कर दो एकदम, जस्ट उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको चार्ज भी कर सकते हैं, और इसका रिएक्शन पर ध्यान रखिए, लेड के और लेड पी वी और पी वी ओ टू के क्या है इसमें इलेक्ट्रोड हैं, और पी वी निगेटिव इलेक्ट्रोड किसका हो गया तुम्हारा, जो तुम्हारा क्या कर रहे थे जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज लेड का हो गया, लेड के निगेटिव ऑर्बिटल है, पॉजिटिव में लेड परोक्साइड पी वी ओ टू के इलेक्ट्रोड हैं, और इस तरह से क्या करते हैं, और एक से ज्यादा एक सेल का जैसे कि तुम्हारा करीब करीब एक वोल्ट का आता है, तो जितने सेल आप लगा सकते हैं इसका जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जितना सेल को सीरीज में जोड़ दीजिए, 12 वोल्ट का बनाना हो या 24 वोल्ट का, जितना वोल्ट का आप क्या कर सकते हैं सभी बैटरी को लगा सकते हैं, निगेटिव को तो एक ही जगह जोड़ देता है, पॉजिटिव का अलग अलग प्लेट दे देता है, उसमें एस टू सो फोर में डिप्ट रहते हैं सब, और इस प्रकार से क्या होता है तुम्हारा ज्यादा वोल्ट की भी बैटरी इससे बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा होगा लेड, मतलब सेकेंडरी सेल में एक हो गया लेड स्टोरेज सेल जिसका रिएक्शन लिख दिया गया। दूसरा है तुमको निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल, तो निकेल कैडमियम सेल में क्या होता है, निकेल कैडमियम सेल को भी आप चार्ज कर सकते हैं, इसमें भी इसका दिया जाता है किसका, निकेल कैडमियम सेल में भी चार्ज कर सकते हैं हम लोग बैटरी को, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और इसका जो है निकेल में बेसिक मीडियम में रहता है ये, और कैडमियम तुम्हारा रहेगा, कैडमियम तुमको, कैडमियम जो है तुमको ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए उसका क्या हो गया तुम्हारा एनोड होगा, और निकेल का क्या रहता है कैथोड रहता है, निकेल का कैथोड और कैडमियम का एनोड होगा। तो इसको देखते हैं, इस सेल को लिखते हैं, तो अब है निकेल कैडमियम सेल, निकेल के लिए भी सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है, तो इसमें तुम्हारा है एनोड पे होगा तुम्हारा, इसमें इसमें सीडी से बन जाएगा सीडीओ, सीडी से क्या बन जाएगा सीडीओ बनेगा, तो सी डी ओ इसको भी बेसिक मीडियम में ही इसका होता, जो कि जिसमें जैसे था जो मरकरी सेल में भी क्या था हमारा बेसिक मीडियम में था, लेकिन जो अभी लेड स्टोरेज बताया तो उसमें एसिडिक मीडियम बैलेंस किया हुआ था, तो सी डी से सी डी ओ बनेगा, तो बेसिक मीडियम में जैसे बैलेंस करके क्या बताते हैं एच टू ओ इधर एक जोड़ दीजिए और इधर टू ओ एच माइनस, इधर टू ओ एच माइनस कर दीजिए, बैलेंस हो गया तुम्हारा ये, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने क्या दे दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, टू इलेक्ट्रॉन इधर दे दीजिए, तो आपका सेल बैलेंस हो गया ये एनोड का। और कैथोड में होता है तुमको, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया सी डी का, सी डी सी ओ में प्लस टू ऑक्सीडेशन चिन्ह आ गया, इसमें एन आई ओ एच होल थ्री रहता है, निकेल प्लस थ्री में है और इधर जाके क्या बन जाता है ये एन आई ओ एच होल टू में कन्वर्ट होता है, एन आई ओ एच होल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जाहिर है कि एक ओ एच माइनस इस साइड आ जाएगा तुम्हें, एक ओ एच माइनस और एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर देना होगा इस साइड हमको, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बैलेंस करने के लिए देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन,
लेकिन यहां पर क्या, यहां पर तो दो इलेक्ट्रॉन आया, तो इसमें जबकि बैलेंस करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को इसको दो से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दो से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दीजिए। तो इधर क्या हुआ, सी डी हो गया, सी डी प्लस टू एन आई ओ एच होल थ्री, ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं, टू एन आई ओ एच होल थ्री, इधर से क्या बन जाएगा, इधर तो इधर जाएगा सी डी ओ प्लस टू एन आई ओ एच होल टू, और तुम्हारा क्या था, इधर एच टू ओ भी है, इधर कितना एच टू ओ है, टू एच मतलब एच टू ओ है तुम्हारा, इधर इधर एक एच टू ओ है, और ओ एच माइनस क्या है तुम्हारा, किधर टोटल बैठा, इधर की तरफ था टू एच टू ओ एच माइनस, और इधर भी थी, इधर भी है एक ओ एच माइनस, इधर भी टू एच माइनस, तो टू एच माइनस टू एच माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये जिसमें दो से मल्टीप्लाई किया तो टू तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर टू एन आई ओ एच होल टू, ठीक है, टू एन आई होल थ्री, यहाँ पर भी क्या होगा तुम्हारा, और टू एन आई ओ एच होल टू, ठीक है, बैलेंस ही लग रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी तुमको जेड एन प्लस टू एन आई एच होल टू, हाँ होल थ्री, टू एन आई एच होल थ्री प्लस क्या होगा तुम्हारा, ये ठीक ही है, सी डी प्लस टू एन आई ओ एच होल थ्री, हाँ तो बैलेंस हो चुका है लगता है रिएक्शन, सी डी प्लस टू एन आई ओ एच होल थ्री, टू एन आई एच होल थ्री, और इधर हो गया तुमको ओ एच माइनस, तुम्हारा कैंसिल आउट ही है, तो बैलेंस ये देख लो, एन आई तुम्हारा हो गया बैलेंस, ओ एच तीन है यहाँ, इधर की तरफ भी दो हो गया सी डी में, एच टू ओ है, वहाँ से भी बैलेंस हो रहा है ये, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो गया किसका, इसका सेल रिएक्शन हो गया, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसका, ये किसका हो गया तुम्हारा, इसको द रिएक्शन इज, ये बेसिक मीडियम है तुम्हारा, ये किस मीडियम में दिया हुआ, ये बेसिक मीडियम में तुम्हारा रिएक्शन है, और वहां पर जो तुम्हारा था जो कि लेफ्ट स्टोरेज बैटरी में, ये क्या था एसिडिक मीडियम में, द सेल रिएक्शन रिवर्स्ड व्हेन करेंट पास, व्हेन एक्सटर्नल करेंट करेंट चार्जेस द से, तो ये तुम्हारा पूरा रिवर्स हो जाएगा, तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा जो कौन सा सेल हो गया, निकेल कैडमियम सेल, तो निकेल कैडमियम सेल भी यूज करता है, जिसमें कि अब तो इसका कम अभी यूज होता है, क्योंकि ये कैडमियम वगैरह क्या क्या होता है तुमको, ज़्यादा कार्सिनोजेनस होता है, वो एनवायरमेंट के लिए बेहतर नहीं माना जाता है, तो इसका फिर भी यूज किया जा सकता है सेकेंडरी सेल के रूप में। एक तुम्हारा सेल है जिसका नाम है फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल देख लेते हैं, तो फ्यूल सेल में तुम्हारा क्या होगा, तो फ्यूल सेल तुम्हारा जिसमें कि फ्यूल नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें जो है कि हम लोग फ्यूल जैसे है तुमको, फ्यूल जैसे H2CH4 CH3OH, ये सब जो फ्यूल है तुमको मिथेनॉल, इन सब को हम लोग ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी इलेक्ट्रिकल, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो तुम्हारा, जबकि इसी काम को हम लोग जब करते हैं सामान्यतः, जो कि कोयला वगैरह को जला के करते हैं, तो उसमें बहुत सा इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता है, तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग एक सेल बना दें, एक इलेक्ट्रोड करके बना दें, और उसमें अगर करें तो इस समस्या क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। इसमें जो सबसे कॉमन है, जो फ्यूल सेल में, जब फ्यूल सेल में इस सबको हम लोग जला सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब रिएक्शन कराएंगे इसमें, जलाने के बजाय क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे कि एग्जांपल है तुम्हारा सबसे, जो कि हम लोग को जिसमें कि जो कि तुमको अपोलो मिशन जो तुम्हारा है, जो कि मून पर जो गया था, जिसमें जिस सेल को बनाया गया, जिसमें कि हाइड्रोजन को यूज करते हैं हम लोग किसमें, एक फ्यूल के रूप में, और हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस O2 से क्या बन सकता है, H2O
बना फिर H2O को ड्रिंकिंग पर्पज से भी काम लाया जा सकता है, जो कि एस्ट्रोनॉट के लिए था, जो यूजफुल भी है ये H2O को, और दूसरा क्या हो गया तुम इसको 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 जो है तुमको कंडेंस करके H2O को पानी के रूप में पिया भी जा सकता है, और इसमें जो है एनर्जी भी मिल जाएगी। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और एक हाइड्रोजन को यूज करना है एक तरफ जाहिर एक ऑक्सीजन को, जाहिर H2 का क्या होगा, H2 का 0 से +1 हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन ये एनोड का काम करेगा और O2 क्या जगह काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो इसका जो सेल तुमको बना सकते हो, इसे क्या हो गया तुम्हारा H2 का क्या हो गया तुम्हारा क्या बन जाएगा इसका H2 का एनोड पे रहेगा, तो H2 से क्या बन जाएगा, H2 का जहां तक है H2 से क्या बन गया तुमको, H2 से बनेगा तुम्हारा H2O बन जाएगा तुम्हारा, H2 से इधर क्या बन गया तुम्हारा H2O बन जाएगा, और इसको बैलेंस करना है अगर बेसिक मीडियम में, जो बेसिक जो NaOH का दे देंगे सॉल्यूशन रहता है इन रिफ्लेक्स किया हुआ, तो इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है O को, तो यहां पर एक H2O और डाल दीजिए, 2O H2O कर दीजिए, तो 4OH- इधर ले लीजिए, प्लस क्या हो गया तुमको 2 इलेक्ट्रॉन इसका डबल, तो 2OH- प्लस कितना हो गया 2OH-, तो 2H- इधर कितना लग जाएगा तुमको 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर लग जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लग गया। अब ये हो गया एनोड का, यहां तुम्हारा हो जाएगा कैथोड का, तो कैथोड में क्या होगा O2 तुम्हारा रहेगा, O2 से क्या होगा इधर बनेगा तुमको, इधर O2 से क्या करना है 2O को बैलेंस करना है, 2O को बैलेंस करना है, इधर O में क्या कर दिया इधर 2H2O जोड़ दीजिए 2O, प्लस 4 क्या होगा तुम्हारा OH- इधर जोड़ दीजिए, तो 4OH- इधर क्या जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन भी हमको ऐड करना होगा 4E-, जिसको इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो क्या होगा तुम्हारा 2H2 हो गया तुम्हारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2H2, अब प्लस क्या होगा O2 से क्या बन जाएगा 2H2O, ये रिएक्शन तुम्हारा हो जाएगा, और ये इसमें जो है किसके NaOH के सॉल्यूशन में कराया गया है रिफ्लक्स में के रूप में, तो इस तरह से ये क्या होगा तुम्हारा, इसको फ्यूल सेल का एक एग्जांपल हो गया, जिसमें कैथोड और एनोड पे क्या कर गया, कैथोड पे तुम्हारा किसका होगा ऑक्सीजन का प्रयोग हुआ, एनोड पे हाइड्रोजन का यूज हुआ, और वाटर प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या होगा मिल गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एनर्जी भी प्राप्त हो जाएगा, तो इस प्रकार से फ्यूल सेल से हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और तुम्हारा दूसरा एक जो टॉपिक और है तुमको, जिसके बारे में दिया हुआ जो कि एनसीईआरटी बुक के लास्ट में दिया हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, तो इसको नोट कर डाउन कर सकते हो इसको रिएक्शन को, तो फेल सेल तुम्हारा हो गया जो भी सेल दिया हुआ था। अब सेल में क्या होता है, सेल में कुछ एक कोरोजन एक दिया हुआ, जैसे मेटल है, मेटल जो है तुमको जो जैसे कि तुम्हारा कोरोजन में एक हो गया रस्टिंग, जिसको कहते हैं जंग लगना, जिसको सिंपली कहते हैं हम लोग घर में, तो रस्टिंग जो है तुम्हारा इट इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, जिसमें कि मेटल जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके वो मेटल ऑक्साइड में बना लेते हैं, मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन, जो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उससे कंबाइन करके क्या बनाता है मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिस कारण से क्या होता है बहुत से मेटल का हमको लॉस होता है, जैसे हमारा ब्रिज बने हुए हैं या बहुत से जो हम लोग अपना घर में भी यूज करते हैं, तो उन समय में भी क्या होता है रस्ट लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है मेटल की बहुत सा हानि होती है। चाहे कोरोजन का दूसरा एग्जांपल हो गया तुम्हारा कोरोजन रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये जो प्रोसेस हो गया ये इसको क्या कहते हैं, ये मतलब मेटल का तुम्हारा जिसके इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कुछ एग्जांपल एक तो रस्टिंग है ही, रस्टिंग है तुम्हारा जो कि एक फेमस एग्जांपल है, जो रस्टिंग मतलब कि ब्राउन टाइप का जो आयरन पे आ जाता है, दूसरा है तुमको ग्रीन पैच ऑन कॉपर, ग्रीन पैच ऑन कॉपर एंड ब्रास, कॉपर एंड ब्रास का ग्रीन हो जाना, तीसरा एग्जांपल है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का क्या हो जाना ब्लैक हो जाना, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। जैसे रस्टिंग के बारे में देखें हम लोग तो ये भी एक तरह का जो है तुमको एक कैथोड एनोड टाइप से ये रिएक्शन है, ये भी रिडक्स रिएक्शन ही होता है, टेक्स प्लेस होता है, जिसमें Fe जो है तुमको ऑक्सीडाइज हो जाता है,
एफ ई जैसे है तुमको, एफ ई क्या हो गया तुमको, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लिया, एफ ई ओ बना लेगा, ये ओ टू से कंबाइन होकर के एफ ई से बन गया, एफ ई टू प्लस बन जाता है इसका, प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये एनोड पे हो गया, ये एनोड रिएक्शन हो गया, इसको एनोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ओ टू जो है तुम्हारा कैथोड पे क्या होगा, ओ टू कन्वर्ट हो जाता है तुमको किस में, ओ एच माइनस में, जो कि एच प्लस कैथोड पे क्या होगा तुम्हारा, ओ टू जो तुम्हारा हो गया एच प्लस के प्रेजेंस में, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओ टू से तुम्हारा एच टू ओ बन जाएगा इधर, और एच टू ओ बन गया इधर तुम्हारा, और एच प्लस आ जाएगा तुम्हारा ओ टू, टू एच टू ओ कर दो और फोर एच प्लस, प्लस फोर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा होगा एक सेल रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ओ टू से ये ओ बन गया, और इस तरह से क्या होता रहता, तो ये रिएक्शन चलते रहता, ऑक्साइड के रूप में आ जाता है, Fe2+ इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये सेल रिएक्शन, तो ऑक्साइड FeO बना, और FeO फिर क्या बन जाता है, FeO से फिर कंबाइन होकर Fe3+ बन जाता है, इस प्रकार से कुछ 2+ कुछ 3+ FeO फर्दर ऑक्सीडाइज टू Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज टू Fe3+। इस तरह से इसका मिक्सचर के रूप में क्या होता है, ये मिलता है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रूप में होता है, जिसको सिंपल रूप में यहाँ पे लिख दिया गया रस्टिंग में। तो इस तरह से क्या होता है इसका, इस प्रकार इस रिएक्शन में Fe का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके कारण बड़े बड़े ब्रिज हैं या उन सबों को भी कोलेप्स हो जाता है एक समय के बाद, उसकी भी लाइफ खत्म हो जाती है या बहुत से जिसका, तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंट रस्टिंग क्या करेंगे हम लोग, टू प्रिवेंट रस्टिंग क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सा एक तो क्या कर दिए उसमें, पेंटिंग पेंट कर देते हैं हम लोग, पेंट कर दिए उसको ऊपर में, एक लेप लेप दे दीजिए, जिससे कि वह क्या हो जाए, इन्वायरमेंट जो ऑक्सीजन H2O जो हवा का संपर्क में वो क्या नहीं आ सके, नहीं आ सके। दूसरा हो सकता है आपका, कहते हैं हम लोग जेडन का एक उस पर परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या होगा, जेडन का, जेडन जो कि जेडन का क्या होगा, जेडन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जेडन का क्या हो जाएगा उसमें आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं जिंक का, मतलब एक लेयर ऑफ जेडन ऑन एफी, ऑन एफी, इससे क्या होगा, जेडन ज्यादा, जेडन को का लॉस होगा, एफ ही क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम में भी जो है, तो एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लेकिन वो जो Al2O3 बन जाता है, तो वही उसको प्रोटेक्ट कर देता है, तो इसको सेक्रीफाइस करना कहते हैं। ये मेटल इसको क्या कर ले, खुद अपने ऑक्साइड बन करके इसको क्या कर दे, इसको प्रोटेक्ट कर देगा एफ ही को। तो इस तरह के टेक्निक है किसको, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के। तो तुम्हारा ये सब जो तुम्हारा हो गया, जो कि तुम्हारा इस चैप्टर में दिया हुआ था, जो कि सारे टॉपिक्स हमने डील कर दिए, एनसीईआरटी बुक के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी तुम्हारा इस बुक में दिया हुआ था, एनसीईआरटी बुक में जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, आज तुम्हारा क्या हो गया, समाप्त हो गया इसी लेक्चर के साथ। और जो भी तुमको अब जिसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या हो, वह हमसे पर्सनली पूछ सकता है, राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जो भी समस्या आ रही है, जो भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, और जो भी एडिशनल क्वेश्चन वगैरह होंगे, जो कि अलग वीडियो में उसको दे दिया जाएगा, जो भी जिसमें स्टूडेंट को जो दिक्कत होगा या जिसको दिक्कत है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। क्वेश्चन जहाँ एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी से बनाओ, एनसीईआरटी बुक से बनाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन सबों से क्वेश्चन को बना सकते हो। और भी तुम राइट ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के उसमें देख सकते हो, तो वहाँ पर तुम्हें क्या मिल जाएंगे, जेई मेंस के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सारे मिल जाएंगे, जेई मेंस एडवांस, इन सबों के नीट के लिए भी। तो इस प्रकार क्या करते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जी। तो राष्ट्रीय प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और हमसे संपर्क करना चाहते हो उसी ऐप में तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उससे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहे हैं।